जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी साहिवाल में ही मौजूद हूँ और साहिवाल में पीर नादिर हुसैन शाह साहब, पीर नादिर हुसैन की छत पर, और आज उनकी कबूतरों का ब्रीडिंग, कबूतरों का शौक अभी हम कर रहे हैं। तो साहिवाल में एक यंग प्लेयर, नौजवान खिलाड़ी कि कबूतरों का शौक़, और जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ कबूतर बनाए हैं, मेरी मुराद ये आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, कैसे हैं आप? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सिटी में एक बेहतरीन प्रोग्राम आपने अरेंज किया और सब दोस्त को बुलाया। जी ऐसे ही है माशाल्लाह। तो जैसे आपने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे कबूतर आपके पास हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हैं जी, कबूतर अच्छे जैसे अच्छा। भी हैं, अच्छे रखे हैं अपनी तरफ। आपको अच्छे लगते हैं? हाँ हमें अच्छे लगते हैं। अब मैं जो लोगों को दिखाऊंगा, जाहिर है उनको अच्छे लगते हैं, वो तो व्यू से पता पड़ेगा। जाहिर है जी, उन्हें देखें जी। नादिर भाई के कबूतर माशाल्लाह, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर पसंद आए तो दोस्तों लाजमी मुझे बताना है आपने। जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ये कबूतरी है ये। अच्छा देखे, जो कबूतर होते हैं ना, ये कबूतर छुपे रुस्तम कहलाते हैं। मादा की शेप में भी नर होते हैं, ऐसा ही है ना, इनके पर का शौक करें। ये देखें, ये हामिद भाई के घर से आया कबूतर मुझे। अच्छा, मियां हामिद लाहौर से, माशाल्लाह। ये उनके घर से आया हुआ है और उनकी बड़ी थ्योरी है एक, वो ये आप कह रहे हैं ना, मतलब वो कहते हैं जब कबूतर हाथ में पकड़ो ना तो बिल्कुल यूं सिमट जाना चाहिए, और जब आप छोड़ो तो वो फैल जाना चाहिए, ऐसे ही ये वो वाला सिस्टम है इस कबूतर का। तो मैंने तो मादा समझा था। हाँ, वो हाथ में पकड़ा ना बिल्कुल छोटा सा हो गया, छोटा हो गया। ये भी मैं आपके सामने छोड़ूंगा ऐसे फूल जाएगा, ऐसे बहुत बड़ा कबूतर है। माना ये जादू की छड़ी है। मेरे साथ लेजेंड प्लेयर साहिवाल, मेरा भाई, बेहतरीन शौक रखते हैं। सुबह भी उनका मैंने शौक करवाया था, अब भी मेरे साथ ही यही हैं। तो कल्ब हुसैन मेरा भाई, बेहतरीन शौक है इनके पास। तो ये साहिवाल की जान है माशाल्लाह, और अभी नादिर भाई के कबूतरों का शौक कर रहे हैं। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लग रहा है नादिर भाई के शौक के कबूतर? अच्छा शौक है जी, माशाल्लाह हम तो देखते रहते हैं इनके कबूतर, अच्छा शौक है। हाँ, ये जो कबूतर लाए हैं चील परासा कबूतर है, है तो मेरे ख्याल में टेडियों से ही, ऐसा ही है ना? जी जी, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नादिर भाई ये कौन से कबूतर है? कबूतर का पट्टा है जी, मेरे घर निकला हुआ। अच्छा, और ये बड़े अच्छे बच्चे उड़ा रहा है। ये मतलब लाहौरी टेडी है? हाँ जी, ऐसे ही समझो। बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है कबूतर का। हाँ जी, ये भी माशाल्लाह जी तीन नादा साहब। ये देखे जी नादा, क्या बात है, ये इसके इसके जरात देखें आँख के। ये देखे माशाल्लाह, क्या आँख की पुतली है, बड़ी मेहनत की है नादिर ने अपने शौक को अच्छा अच्छा करने के लिए ना। ये देखे, माशाल्लाह क्या कमाल है जी। इसके वजह मेरे पास जो है जी वो कप में उड़े में। अच्छा अच्छा, ये किरी ब्रीड, ये जी अपना गोजरे वाले भी करते हैं, और ये दरअसल ना इसी एरिया के उनके गोजरे। नादिर भाई ये कौन सा कबूतर है? ये जी मेरा पुराना कबूतर है, इसे मैं टाइटन कहता हूँ।
अच्छा, ये पता नहीं इसमें क्या टाइसन या टाइटन, टाइटन अच्छा, ये लिया था जी ऐसे ही किसी से ना, मतलब गांव में कोई सेल आउट कर रहा था, बड़ा अच्छा था, 500-600 रुपए का लिया था इसका। मैं आपको बेटा भी क्या कमाल है, ये है तो बूढ़ा मगर जवानों के हाथ लग गए, ऐसा है ना। कबूतर हर जगह अच्छे पाए जाते हैं, साहिवाल हो, सियालकोट हो या कोई भी शहर हो, अच्छे कबूतर रखना सबकी हॉबी है। नादिर भाई ने बैठेंगे, ये है जी कमाल कबूतर। ये इस कबूतर का बेटा है। अच्छा, जो पहले देखा है इसके मेरे पास, एक मिनट कहिए मेरे पास, इसके ना मेरे पास बहुत बच्चे इसके कप में डले हैं, इसके इस कबूतर के। वाह। और ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी निकलवाए ना इसके कप में लाजमी आए बच्चे। माशाल्लाह, क्या बात। ये देखिए, वेरी गुड, जबरदस्त। ये देखिए, ये आगे इसका बेटा जी, ये भी बेटा है इसका, ये इसका बेटा है। क्या बात है, ये मैं बस कप में उड़ा हुआ 2019 में उड़ा। असल में नादर, ये खुशी तब होती है जब आप एक ब्रीड लगाएं जी जी, फिर उनके बच्चे भी उड़वाएं, खुद भी उड़े नस्ल, तो यही है ना घर का शौक। बिल्कुल। आपको और मजे की बात बताऊं, इस जेड में इस कबूतर का बेटा उड़ा मेरे पास। क्या बात है, नस्ल दर नस्ल। अच्छा, इसकी कली जो ये नवी कली बाहर है, इसका क्या मसला है? ये मेरे ख्याल से ना ये आता रहता है। अच्छा, ये कब? हाँ जी, ये छोटी बड़ी करते रहते हैं कबूतर। अब मेरे कुछ ऐसे कबूतर हैं जो जवानी में थे ना जी, उनकी ये कली छोटी सी दिसनी, मगर बेताज बादशाह थे। हाँ जी, छोटी थी। अब मैं आपको बताऊँ, अब वो एज्ड हो गए ना जी, और कुछ फीट, अब उनकी दसवीं बड़ी हो गई है। तो ये होता रहता है इसका। मैं नहीं, अब मैं आपको साहिबल बहादुर माता दिखाऊँ ना जी, उसका दसवां पर यूं है, और उसके जेठ में मतलब उस वक्त जो है ना, उसने 28 घंटे 3 दिन में बनाए थे, तब मतलब मुश्किल थे बहुत कबूतर। चले, फर्स्ट टाइम जो है ना जी, वो हमने 62 घंटे साइवल में बनाए थे फिक्स कबूतरों के साथ, तो उसमें वो फीमेल थी, फीमेल थी जी उसमें। वो साहिवाल के कबूतरों का शौक आपको मैं दिखा रहा हूँ, सुबह भी दिखाया था और अभी भी, बेहतरीन कबूतर है। और ये मादी मेरी ना 16 की चैंपियन है साहिवाल। अच्छा जी, नहीं फिर रहे ये बताते, खुद मादा, ये खुद बहादुर है। इसके दो तीन मतलब, एक कप में इसकी दो बहनें उड़ी। अच्छा, एक कप में इसकी फिर दो बहनें उड़ी। इसके भांजे मेरे पास बेशुमार दफा कप में उड़ चुके हैं। जो आपने सबसे पहले 48 देखे हैं जी, वो सब इसकी मतलब आप समझ लें दो त्रियां लगती हैं। हमारे बहुत ही नायाब खिलाड़ी मुजफ्फर अब्बास टालपुर साहब आपको सलाम दे रहे हैं। छोटा भाई है जी, माशाल्लाह ये LLB कर चुका है, अब वो वकालत करते हैं कचहरी। ये देखें इसका जी पर, देखें आप, अभी मेरे पास बहादुर है। मैं बट अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं जी। जी वालेकुम सलाम अब्बास भाई, कैसे हैं आप? अजान आ रही है तो इस वजह से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, नादर भाई के दो बच्चे भी ऊपर हैं, वो उसी को देख रहे हैं, हम भी उसी को देख रहे हैं, सामने खड़े हैं। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, कबूतर निकाल ले भाई बाहर, ताकि कबूतर ऊपर से आ सके। जी अब्बास भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक खुश रखे। मेहरबानी जी जफर अब्बास टालपुर साहब, अल्लाह पाक खुश रखे जी आपको भी। बहुत अच्छे अच्छे कबूतर और बहुत मेहनत की जाती है अच्छे कबूतर पालना और उसके संभाल रखना, उनसे काम लेना। फिर उस्ताद ही है नादर भाई, कोई नई चीज़ लाए हैं तो ये मैं आपको दिखाऊं। माशाल्लाह जी, नहीं क्या कमाल है ये, इसके बच्चे से चली हैं आपने? जी जी, ये अभी यंग ही हैं, फर्स्ट टाइम इनके आए बच्चे, फर्स्ट टाइम आए। ये दोनों भाई हैं मेरे पास। अच्छा, ये दोनों भाई हैं जी, साथ रख के दिखाएंगे। ये दोनों भाई जुड़वा जुड़वा तो नहीं है ना? नहीं, आगे पीछे के। क्या बात है, ये है उस बड़े कबूतर की। अच्छा, हाँ, वो जो पहले आपने दिखाया जी, जिसका जिक्र मैंने किया ना जी, वो बड़ा कबूतर है, उसके बच्चे हैं। वाह, उस कबूतर में तो बहुत रिजल्ट आया। अच्छा, उस असल जो मेरे थोड़ी सी मेरे में वो लेके आया ना कबूतरों में तेजियां, वो एक कबूतर लेके आया। अच्छा, मैं पहले नहीं मानता था कि एक कबूतर से ना कुछ बनाया जा सकता है, नहीं, लेकिन उसके बाद मैं मान गया हूँ कि एक कबूतर से वाकई में बन जाते हैं कबूतर। देखें, आप अपनी मेहनत जारी रखें और उन पर तवज्जा दें, बच्चे निकलवाएं, उनको ट्राई मारें, बिल्कुल आपको रिजल्ट देगा। दोस्तों, उम्मीद है कि कबूतर पसंद आए होंगे और इंशाल्लाह ताला अब मैं अपना भी शौक पूरा कर लूँ थोड़ा कबूतर देखकर। आपको तो मैंने करवाया है और इंशाल्लाह ताला कल आपसे सखर में मुलाकात होगी और इंशाल्लाह कल हमारी वहाँ पर फाइनल उड़ान भी है, तो वहाँ से कल हम आपसे बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी यहाँ से मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट में मुझे